रायपुर निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना की राशि स्वीकृत होने के बदले में दिव्यांग जनों से रिश्वत की मांग का मामला सामने आया, जहां गौरेला पेंड्रा मरवाही में पदस्थ समाज कल्याण विभाग के अधीक्षक और प्रभारी सहायक संचालक अरविंद गेडाम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। बता दें कि योजना का लाभ देने के बदले में रुपयों की मांग की जानकारी होने पर समाज कल्याण मंत्री अनिल भेड़िया ने इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच के निर्देश दिए, जिसके बाद विभागीय मंत्री के निर्देश पर शिकायत की प्रारंभिक जांच में शिकायत प्रमाणित पाई गई। टोरलोडी से हिंदू समिति में हम लोग धान बेचते हैं और धान के टोकन 19 तारीख का था, धान नहीं लिया गया है, इसीलिए कलेक्टर महोदय पास आए हैं आवेदन लगाने के लिए ताकि हम लोग जो ऋण लिए हैं उसे भरा जा सके। धान की खेती बहुत मेहनत से हम लोग करते हैं, आशा रखते हैं कि धान बेचाने महान कृपा करें। यहाँ जो है कि हमारे धान रामचंद्रपुर ब्लॉक में डिल्डो समिति पड़ता है, जहाँ पे हमें जो है कि 25 तारीख के टोकन जारी किया गया था, जो कि धान लेकर के हम समिति में आए, धान फिर लेने से इनकार कर दिया गया मुझे। मेरा उस डेट में धान नहीं खरीदा गया और मैं यहाँ फिर आवेदन लेकर के कलेक्टर के पास आवेदन देने आया हूँ साहब।